नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। एक वक्त था जब भारतीय कंज्यूमर्स गाड़ी लेते वक्त गाड़ी का डिज़ाइन, गाड़ी के फीचर्स, गाड़ी के लुक्स, लो मेंटेनेंस, गाड़ी कितना देती है यानी कि एवरेज कितना है और कितने सस्ते प्राइस में आती है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। बट नाउडेज इंडियन कंज्यूमर में भी सेफ्टी को लेकर अवेयरनेस बढ़ गई है और अब इंडियन कंज्यूमर सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। भारतीय बाज़ार में कई सारी कंपनियां केवल ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज पर ध्यान देकर गाड़ियां बनाती हैं, जिनमें से कई गाड़ियां केवल सेल्फ प्रोक्लेम्ड यानी कि स्वयं घोषित या फिर केवल ब्रोशर या अपनी वेबसाइट पर या एडवर्टाइजमेंट में या केवल कागज़ पर आंकड़ों में सेफ नज़र आती हैं। वहाँ पर भारत में टाटा केवल एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने अपने कंज्यूमर की सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। पिछले कुछ सालों से लोगों की सोच बदल रही है और आजकल लोग गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग्स को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। जहाँ बाकी की कंपनियों की गाड़ियाँ 2 से 3 स्टार लेकर आती हैं, वहीं टाटा ने हमें भारत की सबसे पहली 5 स्टार रेटेड सेफ कार दी थी जिसका नाम है नेक्सॉन। लेकिन इस बार टाटा ने हिस्ट्री को यानी कि इतिहास को दोहराया है और भारत में हर एक कार मैन्युफैक्चरर के लिए एक लेसन या मैं यूँ कहूँ कि सबके लिए एक सबक दिया है और सेफ्टी को लेकर एक नया बेंचमार्क, एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। टाटा ने अपनी अपकमिंग कार अल्ट्रोस को लॉन्च से पहले ही ग्लोबल एनकैप से क्रैश टेस्ट करवाया है और इस गाड़ी ने 5 out of 5 star की रेटिंग्स हासिल कर ली है। ये रेटिंग हासिल करने के बाद ये गाड़ी भारत की और टाटा की दूसरी सबसे सेफेस्ट कार बन गई है। टाटा ने अल्ट्रोस के जरिए एक बार फिर से साबित किया है कि हमारी गाड़ियाँ हमेशा बॉर्न टफ होती हैं। टाटा ने सारी कंपनियों को एक सबक दिया है कि क्यों ना वो भी अपनी सभी गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करवा के उसके रिजल्ट कंज्यूमर के सामने लॉन्च से पहले रखे, ताकि उनको भी पता चले कि आपकी कार कितनी सेफ है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपके भी टाटा की सेफ्टी को लेकर कोई राय है, कोई सुझाव है या कोई एक्सपीरियंस है तो उसे हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इससे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।